हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल सो वी आर लर्निंग राइट वी वर लर्निंग अबाउट मेडिसिनल एंड एनोमेटिक प्लान और ये प्रीवियस वीडियो में ओके इन द रिस वीडियो वी वर लर्निंग अबाउट मिन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मिन ओके और हम लोगों ने बहुत सीखा मिन के ऊपर उसका प्रोडक्शन उसका प्रोपिगेशन कल्टिवेशन प्रैक्टिस कैसे करते हैं राइट

सो so, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं लेमन ग्रास कॉमनली नोन एज ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास और ये पेरिनियल प्लान है पेरिनियल मल्टी कट एरोटिक ग्रास है ओके लाइक एक्चुअली जो लाइक uh, like इसके नाम से ही लेमन ग्रास ना यू विल अंडरस्टैंड दैट इट हैव दी व्हाट दी अरोमा राइट द स्मेल ऑफ लेमन इस घास से आ, ये नींबू का स्मेल आता है ओके इट स्मेल लेमन सो विच इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस क्यों होता है मे बी वी दिस दिस विल कम इन योर एग्जाम ओके दैट वट कॉज क्या कॉज करता है इस लीवस को इस uh, ग्रास को ओके okay? घास को लाइक लाइक वट कॉज इट टू स्मेल लाइक लेमन ओके नींबू का स्मेल देख देता है सो वाई इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वन ओके ये एग्जाम में आ सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रल अ वट ये साइक्लिक दिस वन मोनो मोनो टर्पिन है ओके okay? और जो लेमन ग्रास है वो अच्छा सोर्स है लेमन ग्रास ऑयल के लिए ओके okay? और ये जो लाइक विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ नेचुरल सिट्रल विच इज़ यूज एज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा आयोनॉन जो यूज होता है फॉर व्हाट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड एंड विटामिन ए ओके सो ये अच्छा सोर्स है नेचुरल सिट्रल के लिए ओके सो एंड देन व्हाट एल्स लेमन लेमन ग्रास ऑयल इज दस यूज एज अ मेन सब्सिट्यूट ओके अगर आ, ये कोट लिवर ऑयल नहीं है तो लेमन ग्रास ऑयल सब्सटिट्यूट आप इसको यूज़ कर सकते हो ओके okay? और सिट्रल इट्स इट इस इज़ यूज इन परफ्यूमरी ऑल्सो परफ्यूम बनाने में ओके okay? परफ्यूमरी इन वाट इन सोप डिटर्जेंट कॉस्मेटिक ठीक है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी मतलब तो इसको कंज्यूम भी कर सकते हो ना और इसका ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में ओके कंजम्पशन ऑफ दिस वन लेमन ग्रास इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लाइक बाम बाम बनाते हैं ना आयुर्वेदिक फील्ड में जो बाम बनाते हैं ठीक है, है? Uh, ये मतलब इससे लाइक like, uh, क्या कोई कोई इससे बनता है लेमन ग्रास से भी बनता है ठीक है और ये बहुत uh, इसके वजह से इसके यूज़ के वजह से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी ठीक है बहुत इनक्रीजिंग डिमांड है ओके सो या य के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके okay? सबसे पहले हम लोग सॉयल और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो कौन सा सॉइल सही रहेगा इसके लिए इट फ्लोरेश लाइक क्यून सी इट फ्लोरेश इन अ वाइट वराइटी ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम वट रिच लोमी टू पोअर लैटराइज सॉइल ओके ऑल्सो सुइटेबल टू झुम फलो या हिल स्लोप ओके और फ्लड फ्री डिग्रेड लैंड लेकिन बेस्ट सुइटेड है इन अ वेल ड्रेन सैंडीलोम और ये वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है वाटर लॉगिंग कंडीशन शी अवॉयड एज इट इज अनसुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन ठीक है और जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है ये बहुत ज़रूरी है इट रिक्वायर्स अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल ओके बहुत सारा धूप भी और बहुत सारा बारिश भी रेंजिंग फ्रॉम वॉट वन थाउजेंड एट हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड और हाई टेम्परेचर एंड सनशाइन आर दिस वन कंडिफ्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑयल इन द प्लान ओके सो और अगर वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ उसके वैरायटीज़ है द फॉलोविंग वैरायटीज़ आर रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ओके फॉर इरिगेटेड कंडीशन ये सी के पी ट्वेंटी फाइव रिलीज बाय कौन रिलीज किया ये वैरायटी आर आर एल जामू ओके okay? और ये कृष्णा डेवलप बाय दिस वन सी मैप आई होप यू हर्ड अबाउट इट ओके बोट फॉर इरीगेटेड एंड रेनफेड एंड ऑल्सो हिल्स लोप नीमा अडवाफ अडवाफ वरायटी ओके ये वरायटी लेमन ग्रास का है ठीक है नीमा अडवाफ वराइटी ये डवाफ वराइटी है छोट लाइक फ्रॉम द वर्ल्ड ओनली यू नो दैट इज स्मॉल कि डवाफ डेवलप बाई सीमा ओके और जो सिट्रल कॉन्टेंट है नीमा का ये बहुत हाई है अगर कंपेयर करो कि कृष्णा से ओके और लास्ट है दूसरा जो सूटेबल uh, वराइटी है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इस जोर लैप एल डैश टू डेवलप बाय आर आर एल में डेवलप हुआ था ये ओके जोरलैप नाउ या सी प्रिपरेशन ऑफ द रूट स्लिप मेनली अबाउट द प्रोपोगेशन सो ये प्रोपोगेट होता है वेजिटेटिवली ओके okay? obtained from well grown clumps okay i hope you know like let me just show you now the picture Let's see clumps is say propagate okay it is propagated by this one let me show you more Okay, just uh, understand that it is propagated by this one. Okay. Sorry, actually I've put it in airplane mode, so that's why I can't show you, but uh I have opened it, so that's why you just see. Okay. And you can differentiate it also by seeing the one. hai na, up differentiate kar lemon grass, and is grass Alright? और uh, कोई कोई जगह में तो इसको uh, ये चाय में भी यूज़ करते हैं एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो ओके एंड टॉप ऑफ द कर्म्स आर कट ऑफ विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड ओके द कर्म्स या फिर रूट पोर्शन इज डिवाइडेड इन टू स्लिप कंटेनिंग टू टू थ्री टिलर्स राइट फिर ये प्रोपिगेशन टेक्निक है इसका मेनली इसके प्लान पार्ट से ही ओके okay? और अगर स्पेसिंग की बात करेंगे तो प्लेन एरिया में फोर्टी फाइव इंटू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और सिक्सटी इंटू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इन स्लोपी लैंड ओके विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्लिप स्लिप मतलब जो आपने कटिंग्स किया है ना कट किया है ओके हाउ मच यू रिक्वायर इतना फोर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड पर हेक्टर के हिसाब से ओके okay? और प्लांटिंग कब होता है प्लांटिंग इज डन इन मे टू जून ऑविस्ट रूम में द्लान इज इज़ डन इन मे टू जून और uh, ये हाउ एवर विद इरीगेशन प्लांटिंग कैन बी डन ड्यूरिंग एनी मंथ ओके अच्छा इरीगेशन होगा सो यू कैन प्लान इन एनी मंथ एक्सेप्ट दिसंबर टू जनवरी ओके लाइक like, uh, दूसरे महीने में भी, भी कर सकते हो लेकिन आपको ये देखना है कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो है कि नहीं ओके okay? लाइक like, सही कि नहीं या फिर वाटर सप्लाई इट्स डेर और नॉट ओके सो या एंड देन या इवन द स्लिप आर ट्रांसप्लांटेड फर्मली डी टू द ग्राउंड सी प्लांटिंग यू आर डूइंग इन मे टू जून या फिर कोई भी महीना एक्सेप्ट दिसंबर टू जनवरी वन और टू स्लिप आर प्लान्ट ईच होल अबाउट कितना डीप फाइव टू एट सेंटीमीटर डीप ओके सो इट इज़ बेटर टू प्लान ऑन रिजेट इन हाई रेनफॉल एरिया ओके और जो स्लिप है वो ट्रांसप्लान करते हैं फॉर्मली इन द ग्राउंड प्लान लाइक प्लान गेट एस्टैब्लिश व्हेन आफ्टर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज आफ्टर प्लांटिंग ओके पच्चीस से तीस दिन के बाद जो प्लान है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और अच्छा ग्रो करेगा ठीक है और ये इसके मैन्यरिंग है दिस आर द मैन फॉर्म योर मैन्योर टेन टनस पर हेक्टर आप अप्लाई कर सकते हो और आप मिक्स कर सकते हो यू कैन मिक्स वेल एट टाइम ऑफ फाइनल लैंड प्रिपरेशन जब लैंड प्रिपेयर करते हो ना तभी ओके और जो फाइनल लैंड प्रिपरेशन है तभी आप मिक्स कर सकते हो टेन टन पर हेक्टर और ये इसके कुछ फर्टिलाइज़र हैं नाइट्रोजन एंड देन फॉस्फोरस पेंट एंड दिस वन पोटाशियम ऑक्साइड ठीक है ये रेट देख सकते हो यहाँ पर हाँ दिस इज अकॉर्डिंग टू लाइक के जी पर हैक्टर पर ईयर ये अप्लाई कर सकते हो अलॉन्ग विद वाट अलॉन्ग विद एडिकुट क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है वो भी मिक्स कर सकते हो ठीक है सो यू जस्ट गो थ्रू दिस मैं आपको ये दूँगी आप गो थ्रू करना अगर कोई भी पॉइंट आप लाइक इफ़ यू आर हैविंग डाउट ओके सो यू कैन आस्क में ओके अगर आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो ये यह देखो यहाँ पर प्लांटिंग के पहले भी फील में जो फील प्रिपेयर है उसमें फुल डोज फॉस्फ्रस और पोटैश राइट यू कैन अप्लाई ओके इज कॉपरेटेड ओके सो और नाइट्रोजन जो है वो अप्लाई होता है सिक्स इक्वल स्प्लिट डोज में एट टू मंथली इंटरवल और फॉर इकोनॉमिक यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर द सॉइल शुड बी एनालाइज फर्स्ट आपको सॉयल पहले एनालाइज करना है अगर इकोनॉमिक यूज़ कर के लिए प्लान्टशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक यूज जैसे कि कमर्शियल कल्टीवेट कर रहे हो ठीक है कमर्शियली यू आर कल्टिवेटिंग टू इट टू द मार्केट या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए और वीडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही ना जो अनवांटेड प्लान है उसको रिमूव करना है और कुछ इंटरकल्चरल ऑपरेशन ये है लाइक मल्चिंग एंड ऑल राइट यहाँ पर वीडिंग भी कब करना है आप ये गो थ्रू करना ठीक okay? है वन हैंड वीडिंग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज ओके फॉलो बाय होविंग एट फोर्टी टू सिक्सटी डेज आफ्टर प्लांटिंग प्लान्टे इनफ है कंट्रोल करने के लिए वीडिंग को ओके okay? और एक और कर सकते हो अगर आपको आ, वीड नहीं चाहिए ना सो राइट आफ्टर द हार्वेस्टिंग जैसे ही हार्वेस्ट करते हो फर्स्ट हार्वेस्ट तो तुरंत आप ये करो वीडिंग करो और अर्थिंग अप करो प्लान में तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट हार्वेस्ट जब करोगे लाइक आई मीन नो नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं न्यूली ग्रोथ प्लान आएगा ना सो so उसके लिए मतलब इट विल बी गुड लाइक कंपटीशन नहीं होगा अनवांटेड प्लान और आपके लिए लेमन ग्रास प्लान में ठीक है और अच्छे से फ्लोरिश करेगा और ये एक एंडकल्चरल ऑपरेशन uh, है मल्चिंग ठीक है जो भी डिस्लेशन वेस्ट है ओके okay, या फिर व्हीट स्ट्रॉ है नॉल वो अप्लाई कर सकते हो ऐसा ऑर्गेनिक मल्च ओके कितना थर्टी टन्स पर हेक्टर इन बिटवीन द रो रो के बीच में आपको ये डालना है और ये इफेक्टिव है कंट्रोल करने के लिए वीडिंग और मेंटेन करता है सॉइल के मॉइस्चर को ठीक है और ये कुछ इसके पैस और डिजीज है ठीक है ये देखो लीफ ब्लाइट मेन है लीफ ब्लाइट ओके और जो अफेक्ट होता है ये कार्बुलारिया से ठीक है और इसको कंट्रोल कर सकते हैं बेंजीमी डो वन बेजीमी ओके जैसे कि बेनलेट राइट सो so, ये देख सकते हो यहाँ पर कितने कितना आप डाल सकते हो लाइक लीटर्स पर हेक्टर एट टेन डेज इंटरवल और जो भर इम्पॉर्टेंट पेस है वो है स्के, स्केल इंसेक्ट आई होप यू हर्ड अबाउट इट स्केल इंसेक्ट ठीक है जो येलो स्पॉट को प्रोड्यूस करता है स्टेम में और ये लाइक इट्स सक द सैप ऑफ द लीव ओके इट्स सैप लाइक जो लीव uh, सैप है ना उसको चूसता है लाइक इट जस्ट इट जस्ट टेक ऑल द इट जस्ट सक ओके एंड इट लाइक इट मेक द लीव टर्न इन टू येलो कलर ओके और ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो स्प्रे करके ये डायमेथोट और नाउ विलकम टू द लास्ट दैट इज़ हार्वेस्टिंग ओके सो ये सिट्रल इज कंसिडर अस क्वालिटी मार्कर ऑफ लेमन ग्रास ऑयल ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लेमन ग्रास ऑयल का ठीक है सो ये देखो यहाँ पर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग लिखा है ओके सो ये लाइक अप्रैल ओके यू कैन डू इट ऑन अप्रैल ऑल्सो मे ऑल्सो और जून ठीक है सो एंड दिस वन फर्स्ट हार्वेस्ट फर्स्ट हार्वेस्ट इज टेकन एट फोर मंथ एज ऑफ द क्रॉप ओके एज के हिसाब से चार महीने का हो गया सो यू हैव टू सी एंड देन आफ्टर डैन यू यू कैन हार्वेस्ट ओके फर्स्ट हारवेस्ट आइए ओके और सब्सिक्वेंट जो हार्वेस्ट है उसके बाद सो so, दो तीन महीने के इंटरवल में okay? और हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो बाय कटिंग्स द ग्रास एट व्हाट 10 centimeter above the ground. Okay. Harvesting hai. Okay. So these are just some of the main important uh what I'll say point that I want to mention. Okay, so I hope you understand till here. So this was about lemongrass. Till then, take care, and I'll see you in the next video.